हेलो स्टूडेंट्स, मैसेल्फ ज़ीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे ना, आज हमें नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर्स राज महक एंड दिव्या, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवेन है। ओके, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख कैपिटल भी दिया हुआ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, कुछ पॉइंट्स गिवेन है। तो देखिए पॉइंट ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है। पॉइंट बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी रेट गिवन है। पॉइंट सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन का भी रेट गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विथड्रॉ 12,000 ऑन 1st अक्टूबर 2021 में राज ने 12,000 विड्रॉ किया, मतलब ये उसका ड्रॉइंग अमाउंट है। ओके, वाइल महक विड्रॉ 60,000 ऑन 1st दिसंबर 2021, एंड महक ने 60,000 विड्रॉ किया 1st दिसंबर 2021 को। ओके, इन दोनों पार्टनर्स का ये ड्रॉइंग अमाउंट है। ऑन 1st जनवरी 2022 दिव्या हैड गिवन अ लोन ऑफ 1,20,000 टू द फर्म। 1st जनवरी 2022 में दिव्या ने फर्म को लोन दिया 1,20,000। ओके, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। यहाँ पे तीन पॉइंट्स गिवेन है, सिर्फ उन्हीं की हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। ओके, पॉइंट फर्स्ट, अलाइन इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल का हमें जनरल एंट्री पास करना है। पॉइंट सेकंड, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्रॉइंग की हमें जनरल एंट्री पास करनी है। पॉइंट थर्ड, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू दी फर्म बाय दिव्या, दिव्या ने जो फर्म को लोन दिया है उसके भी इंटरेस्ट की जनरल एंट्री पास करनी है। ऑल्सो पास ट्रांसफर एंट्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस मे बी। इनमें से जिसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, एंड जिसकी एंट्री एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है उसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स की जनरल एंट्रीज बनानी है। चलिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने बना लिया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं राज का कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आता है। राज का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 6 लाख, 6 लाख पे 8% कैलकुलेट करेंगे। राज कैपिटल 6 लाख इंटू 8% दिया है ना, 8/100 इज इक्वल टू, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 6,000 इंटू 8 ये हो जाएगा 48,000। इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। पॉइंट फर्स्ट स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। फर्म पार्टनर्स के कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट पे करती है, तो एक्सपेंसेस की एंट्री किस साइड में होती है, डेबिट साइड में। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल। फर्स्ट एंट्री समझ में आई, काफी इजी एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें जनरल एंट्री पास करना था, हमने कर दिया, अमाउंट हो जाएगा 48,000 एंड 48,000 हो गया। लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 8% पर एनम, 8% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था,
हमने कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो लास्ट पॉइंट आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, इसमें से जिसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एंड जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उसकी जनरल एंट्री बनानी है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री किस अकाउंट में होती है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है ना। चलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली भी जनरल एंट्री बना लेते हैं। किस साइड में होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? डेबिट साइड में होती है ना, तो जनरल एंट्री में किस साइड में हो जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल अकाउंट, डेबिट में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट अमाउंट सेम हो जाएगा 48,000 and 48,000। नरेशन हो जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट की जनरल एंट्री हमने पास कर ली, अब सेकेंड पॉइंट की जनरल एंट्री पास करेंगे। महक ड्राइंग पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। महक ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया था? 60,000। तो 60,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 60,000 इंटू किस मंथ में इसने विड्रॉ किया था? दिसंबर में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, फोर मंथ का ये इंटरेस्ट पे करेगी। इनटू रेट कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? 6%। यहां हो जाएगा 6/100। 6 × 6 = 6 × 6 = 12 2 × 2 = 2 × 4 जीरो से जीरो कट हो जाएगा। 600 × 2 ये हो जाएगा 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने महक का कैलकुलेट किया, 1200 आया। एंट्री कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है ना। महक फर्म को इंटरेस्ट पे करेगी, तो इनकम्स की एंट्री किस साइड में होती है? क्रेडिट साइड में। यहां हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्रॉइंग। डेबिट में क्या हो जाएगा? महक इंटरेस्ट पे करेगी तो उसकी कैपिटल बैलेंस में से उतना अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, महक का एक्सपेंस होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम महक्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगा 1200 and 1200। हो गया। नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होती है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हो जाएगी ना। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्रॉइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ हो जाएगा डेबिट, अमाउंट सेम हो जाएगा 1200 and 1200। हो गया। नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
transfer to profit and loss appropriation account. उसके बाद पॉइंट थर्ड की जनरल इंट्री बनाएंगे. ये दोनों तो आपको समझ में आया होगा, काफी इजी पॉइंट है. दिव्या ने फर्म को लोन दिया है कितना, 1,20,000, तो उसका भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. दिव्याज लोन 1,20,000 इसने लोन दिया था. कब दिया था? 1 जनवरी को. तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगी फर्म इसे. इनटू इंटरेस्ट टू लोन का रेट कितना दिया हुआ है, 5%. यहां हो जाएगा 5/100. सॉल्व करिए, 3 1 3 3 4 12, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 1 4 4 3 12, 300 × 5 ये हो जाएगा 1500. फर्म का एक्सपेंस होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हो जाएगी डेबिट में. यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या अकाउंट डेबिट टू दिव्याज लोन अकाउंट. अमाउंट हो जाएगा 1500 and 1500. हो गया. नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एट द रेट फॉर 3 मंथ्स. थ्री मंथ का फर्म ने इंटरेस्ट पे किया दिव्या को. ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कहाँ होती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है ना. किस साइड में? डेबिट साइड में. तो जनरल एंट्री में किस साइड में चला जाएगा? क्रेडिट साइड में. यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई दिव्या, डेबिट में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट अमाउंट हो जाएगा 1500 and 1500. नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिया. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. सिर्फ उन्हीं तीनों पॉइंट्स की जनरल एंट्रीज बनानी थी, इंटरेस्ट ऑन रास कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर. जब फर्म पार्टनर्स को लोन देते हैं तो उनकी एंट्रीज क्या होती हैं? सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.